हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पैक्ट इंग्लिश। एक बार फिर आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश के एक नए वीडियो लेक्चर में। तो आज हम बात करेंगे विल के बारे में। वेयर वी यूज विल, हम कितनी जगह पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ प्लेस लिखे हैं जहाँ पर हम मोस्टली विल का यूज करते हैं, जैसे कि इमीडिएट या फिर इंस्टेंट प्लान के लिए, प्रिडिक्शन पर, हेल्प में, रिक्वेस्ट में और ऑफर में। ये इतनी पांच प्लेसेस है, ज़्यादातर हम इन जगहों पर विल का यूज करते हैं। इनको हम वन बाय वन एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो पहला है इमीडिएट या इंस्टेंट प्लान। कोई भी प्लान आप इमीडिएट बना दो, तुरंत बना दो, वहाँ पर हम विल का यूज करेंगे। प्रिडिक्शन, कोई भी भविष्यवाणी अगर आप करते हुए कोई भी करता है तो वो वहाँ पर हम विल का यूज करते हैं। हेल्प में, ठीक है, तो वहां पे भी हम विल का यूज करते हैं। रिक्वेस्ट में विल का यूज करते हैं। ऑफर में, कोई अगर ऑफर आपको देता है या अगर आप किसी को ऑफर देते हैं तो वहां पर भी हम विल का यूज करते हैं। तो आप फर्स्ट वन बाय वन हम इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है इमीडिएट या इंस्टेंट प्लान। यहाँ पर आप कोई भी प्लान, किसी भी चीज को देखकर अगर आप कोई भी प्लान करते हो तो वहाँ पर हम विल का यूज करते हैं। जैसे कि आप और आपके दोस्त या फिर आप अकेले भी किसी मार्केट में आप जा रहे हैं, तो आपको कोई भी चीज़, जैसे कि आपको आइसक्रीम का पार्लर दिखता है तो आप एकदम प्लान बना देते हो कि आपको एकदम लगता है कि मैं ये चाहिए काम करूँ, आप तुरंत डिसाइड करते हो काम करने का। तो आइसक्रीम पार्लर पर आप तुरंत डिसाइड कर दो कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, तो आप बोल सकते हो आई विल टेक आइसक्रीम, आई विल टेक आइसक्रीम। जैसे कि दूसरा एग्जांपल आप देखिए, जैसे कि आपका फ्रेंड मोबाइल लाया और आपका उसका मोबाइल आपको अच्छा लगा तो आप तुरंत प्लान बनाते हैं कि मैं भी ये मोबाइल खरीदूंगा। वहां पर भी आप बोल सकते हो I will buy this mobile, मैं भी यही मोबाइल खरीदूंगा, ठीक है, तो वहां पे हम विल का यूज करते हैं। प्रिडिक्शन के लिए, कोई भी चीज की अगर आप भविष्यवाणी करते हो या फिर कोई भी करता है तो वहां पे भी हम विल का यूज करेंगे। जैसे कि इंडिया के 5 विकेट्स है और उसको इंडिया को जीतने के लिए 10 रन की रिक्वायरमेंट है, तो और ओवर है, काफी ओवर बचे हैं, तो आप तुरंत भविष्यवाणी कर सकते हो कि इंडिया विल विन द मैच जीतेगी। और दूसरे एग्जाम्पल, जैसे कि आप बादल देखते हो, जैसे कि आपको लगता है कि आज बारिश होगी क्योंकि बादल हो रहा है, तो आप बोल सकते हो इट विल रेन, बारिश होगी। आपको कुछ प्रिडिक्शन, कोई भी आप भविष्यवाणी करते हो, जैसे कि आपको लगता है कि मेरा दोस्त अच्छी पढ़ाई करता है तो वो पास हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो ही विल पास, क्योंकि आपको लग रहा है पूरा, आपको भविष्यवाणी उसके बारे में भी कर सकते हो, पास होगा, ही विल पास। तो सारे हम विल का यूज करते हैं। दूसरा है हेल्प। आप किसी से मदद लेते हो या फिर आप मदद करते हो, वहां पर भी हम विल का यूज करते हैं इसका भी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको किसी की हेल्प लेना है तो भी हम वहां पर विल का यूज करते हैं। जैसे कि आप बोलते हो कि आपको किसी से सीट लेना है, बैठने के लिए आपको किसी से जगह लेना है, तो आप बोल सकते हो विल आई सीट है, क्या मैं आप पर बैठ जाऊं, विल आई सीट हियर, क्या मैं यहाँ पर बैठ जाऊं। या फिर आप बोल सकते हो, आपको मान लो कि आपका मोबाइल में बैलेंस खत्म हुआ है तो आपको मोबाइल की जरूरत है, तो आप बोल सकते हो विल आई यूज योर मोबाइल, विल आई यूज योर मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल यूज
कर लो, तो वहाँ पे भी हम विल का यूज करेंगे। रिक्वेस्ट के लिए, किसी भी चीज की रिक्वेस्ट आप करते हो तो वहाँ पे भी आप विल का यूज कर सकते हो। जैसे बोलते हैं ना कि आप मेरा एक काम करोगे, रिक्वेस्ट करते हो ना कि आप मेरा आप एक काम करोगे, तो बोल सकते हो विल यू डू मी आ फेवर प्लीज, क्या आप मेरा काम, प्लीज क्या आप मेरा काम, क्या आप मेरा एक काम करोगे, विल यू डू मी आ फेवर प्लीज। तो इस तरह में हम विल का यूज करेंगे। ऑफर के लिए बहुत सी मूवियों में आपने देखा होगा, बहुत जगह पे भी आपने सुना होगा, जैसे कि बहुत जगह बोला जाता है विल यू मेरी मी, क्योंकि एक बंदा किसी पर्सन को ऑफर करता है कि आप मुझसे शादी करोगे, तो विल यू मेरी मी, तो वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो विल यू मेरी मी, विल यू मेरी मी। तो इस तरह भी आप विल का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन पांचों प्लेस पे आप विल का यूज कर करके आप प्रैक्टिस करिए, तो आप बहुत ही अच्छे से इस विल को समझेंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं स्पोकन इंग्लिश के एक नए वीडियो लेक्चर में।